नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ है मोहम्मद अहमद काजमी साहब जो मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक है। आपको दुनिया भर की ताज़ा और लेटेस्ट खबरें अगर देखनी हो तो आप इनका चैनल देखिए मीडिया स्टार वर्ल्ड, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे एर्दोगान यानी टर्की की। एर्दोगान साहब के बारे में ये सुनने को मिल रहा है कि वो यमन में जो जंग चल रही है उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो क्यों हिस्सा लेने जा रहे हैं, वैसे तो दुनिया भर के मुसलमान उन्हें एक तरह से आज का नया खलीफा मान रहे हैं, इस बात में कितना दम है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर सर, मेरा पहला सवाल यही है कि यमन में जो जंग चल रही है इसमें एर्दोगान साहब अपने हाथ साफ क्यों करना चाहते हैं एक तरह से? देखिए, एक लीडरशिप की लड़ाई है। अच्छा। और एर्दोगान साहब अपने आप को आम तौर पर मुसलमानों का और ख़ास तौर पर सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का अपने आप को लीडर के तौर पर उभारने की और कोशिशें अर्तगल गाजी जो सीरियल था उसके बाद और उसके साथ साथ, जैसे कि आपने बताया कि बहुत से लोग ये समझने लगे कि शायद सल्तनत उस्मानिया दोबारा आ जाएगी और वो खलीफा होंगे पूरी दुनिया के मुसलमानों के, और शायद इसी वजह से कुछ लोग उनके वो गुनाह भी भूलने की कोशिश करते हैं कि सीरिया में उन्होंने 30 किलोमीटर अंदर तक 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया कब्जा किया हुआ है, इराक में उनकी फ़ौजें हैं और बार बार लीबिया में उनकी फ़ौजें थी, अभी कुछ दिन पहले तक 13 मुल्कों में उन्होंने अलग अलग बहानों से फ़ौजें भेज रखी हैं। सारे गुनाह सिर्फ इस एडवेंचरिज्म के लिए शायद माफ़ कर देते हैं लोग कि वो तो साहब पूरी दुनिया के खलीफा बनने वाले हैं। लेकिन ये एक अलग बहस है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब यमन जंग में क्यों आना चाह रहे हैं, ये एक नए बदले हुए सिनेरियो में हुआ है। वो ये कि अमेरिका में जो सरकार बदली है, जो बाइडन साहब आए हैं, वो बज़ाहिर, मैं बज़ाहिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल भी ऐसा हो, लेकिन उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो यमन जंग बंद होनी चाहिए, एक बात शुरू में उन्होंने कही थी कि हम सऊदी अरब को यमन जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार देना बंद करेंगे। और उनकी खुफिया एजेंसी CIA ने जमाल खाशुगी के कत्ल के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान का ऑर्डर उसमें शामिल था, ये उन्होंने साबित किया है। तो ये एक तरह से जो ट्रंप से अंधी आंखों पर पट्टी बांध करके सपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान के सारे करतूतों को मिलती थी, शायद वो ऐसा अब महसूस नहीं कर रहे कि अब मिलेगी। तो अब वो एक तरह से नए दोस्तों की तलाश में है। नहीं तो पिछले कई साल से तुर्की और सऊदी अरब के बीच अच्छी खासी नाराज़गी थी कई इश्यूज पर, और 2018 अक्टूबर में जब जमाल खाशुगी का कत्ल हुआ उसके बाद तुर्की ने वो ऑडियो जारी कर दी कत्ल के जो सबूत उनके पास थे, और कई तरह से उन्होंने, बल्कि अपने यहाँ अदालतों में गैर मौजूदगी में सऊदी जो कत्ल करने वाली टीम थी उसके खिलाफ मुकदमा आज भी चल रहा है इस्तांबुल में। तो इस सब के बावजूद यमन जंग जो एक तरह से सऊदी अरब के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है, अब हूथी मुसलसल अपने ड्रोन अपने मिसाइलों से सऊदी अरब के शहरों पर, न सिर्फ सीमा पर बल्कि राजधानी रियाद तक भी वो हमले कर रहे हैं, तो एक तरह से वो बेचैनी है। अब वो नए एलाइज की, नए दोस्तों की तलाश में हैं। अब तक जो खबरें आई हैं वो तुर्की से, एक तो खबर आई थी मार्च के शुरू में जब कहा गया था कि वो तुर्की के पास ख़ास किस्म के ड्रोन हैं जो वो हथियार लेकर के जा सकते हैं, वो ड्रोन ख़रीदने की बात की थी। और अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका के मीडिया में कुछ ये खबरें आई थी कि लीबिया से जो उनके फ़ौजी साजो सामान है, हथियार हैं, गाड़ियां हैं, वो अफ्रीका के कुछ दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रही हैं और वो वहाँ से यमन पहुँचेंगी। एक और ख़बर पिछले दिनों आई थी, रॉयटर्स ने की थी, अल जज़ीरा ने की थी, वो ये थी कि मॉनिटर ने की थी जो लंदन से एक बड़ी न्यूज़ वेबसाइट है, उसने बताया था कि तुर्की के फ़ौजी ऐसे मर्सनरीज़ या दहशतगर्द जिन्हें कहा जा सकता है उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो यमन में सऊदी अरब के फ़ौजियों के साथ मिलकर के लड़ने के लिए तैयार हों।
तो ऐसी भी खबरें हैं कि जो दहशतगर्द सऊदी इसमें सीरिया में या इराक में इस्तेमाल किए गए थे, आजकल इदलिब में हैं बहुत बड़ी तादाद में, तकरीबन 80-85 हज़ार कहते हैं वहाँ पर हैं, उनमें से कुछ मर्सनरीज को वहाँ भेजने की बात है। तो ये बिल्कुल सेमी वॉर जिसे कहा जा सकता है, आधी जंग, यानी हम फौजी भी नहीं भेजेंगे लेकिन हाँ कुछ लोगों को भेजेंगे लड़ने के लिए, ऐसी सूरत है इसमें। मुझे तो ऐसा लगता है कि यमन जंग में हारते हुए सऊदी अरब ने एक तरह से यमन तुर्की को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की है। तो अब आने वाले में क्या होगा, आने वाले वक्त में ये बहुत ही दिलचस्प होगा जो जो तुर्की का रोल है। तो इसमें सऊदी अरब का क्या फ़ायदा होगा अगर वो उस जंग में जाते हैं? देखिए, सऊदी अरब की हार की का जो डिक्लेयर होना है वो लेट हो जाएगा, अच्छा। ज़रा कुछ दिन जान बच जाएगी, क्योंकि अभी जिस तेज़ी से वो हमले कर रहे हैं, अब तो आरामको पर भी जो उनका तेल का सबसे बड़ी कंपनी है उसके बहुत सी जगहों पे कारखाने हैं, पिछले दिनों एक आईलैंड है जो इसी कंपनी के साथ, कंपनी का ही हिस्सा है, वहाँ पर तेल का इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर हमले किए। और अबहा एयरपोर्ट पर तो बहुत बार हमले हो चुके, जो सिविलियन और फौजी दोनों किस्म का एयरपोर्ट है। इसके अलावा रियाज एयरपोर्ट पर बहुत कई बार हमले हो चुके, तो इस तरह से वो हमले बढ़ा रहे हैं। और वो एक बात कह रहे हैं, हूती अंसारुल्लाह जो यमन के, वो ये कहते हैं कि जब तक सऊदी अरब की तरफ से हमारे खिलाफ हमले जारी रहेंगे और यमन की घेराबंदी रहेगी तब तक हम ये हमले जारी रखेंगे। इसमें जो हूती है, इसमें क्या ईरान का समर्थन है जैसा आरोप लगते हैं? हाँ हाँ, ईरान का, ईरान ने इस हद तक एक्सेप्ट किया है कि वो टेक्नोलॉजी उन्हें देते हैं। अच्छा, चूंकि घेराबंदी में कोई बड़ा सामान तो पहुंचने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा है कि हमने टेक्नोलॉजी दी है जिसमें ड्रोन और मिसाइल बनाने की। और हूथियों ने अपने यहाँ के वो कारखाने, वो फैक्ट्रियाँ जहाँ से ये बन रहा है वो भी मीडिया के सामने पेश की है। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी 2-3 दिन पहले कि साविज नाम का एक जहाज़ ईरान का है, उस पर इसराइल ने हमला किया है जुबूती के आसपास, ये अदन के बाद जो ये यमन और जुबूती के बीच बाबुल मंदिब वाला जो इलाका है, बहुत ही पतला इलाका है जहाँ से तेल का मूवमेंट रहता है, वहाँ ईरान के जहाज़ पर हमला किया है। और उस जहाज़ के बारे में अमेरिका और सऊदी अरब और इसराइल ये कहते रहे हैं कि ये सिर्फ माल ले जाने वाला जहाज़ नहीं है, बहुत अरसे से वहाँ पर है और वो हो सकता है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC जिसे कहते हैं, उसका फॉरवर्ड बेस टाइप का हो। तो इस किस्म के ईरान पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं वो, और पॉलिटिकली तो वो सपोर्ट करते ही हैं, वो उससे इनकार नहीं करते, झिझकते नहीं, शर्माते नहीं। वो देखिए, बुनियादी बात ये है, मुश्किल कहाँ है, दुनिया नाइंसाफ़ी इस बात पर करती है कि मिसाल के तौर पर दो मुल्कों में या दो किसी भी पार्टीज़ में अगर लड़ाई हो रही है, एक को हथियार देना जायज़ और दूसरे को हथियार देना नाजायज, तो ये नाइंसाफी की बात होती है। मैं आपको बताऊं, 2006 में जब हिजबुल्ला की और इसराइल की लड़ाई हो रही थी, मैं इत्तेफाक से उस वक्त लंदन में था और लंदन में किसी थिंक टैंक में बात हो रही थी, तो ये बात मैंने कही कि भाई एक तरफ आप लोग सब उस हथियार दे रहे हो, दूसरी तरफ अगर कोई हथियार दे रहा तो आप क्यों उस पे, आपको क्या एतराज़ है, दोनों तरफ हथियार पहुंचने का हक है, ले सकते हैं। तो वो कहने लगे साहब ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हुकूमत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये तरीके होते हैं किसी को हथियार देने से रोकने के लिए या बदनाम करने के लिए। मैं तो बहुत इसमें क्लियर हूँ कि अगर दो मुल्कों में के बीच में लड़ाई हो रही है तो जाहिर है दोनों के कुछ ना कुछ सिंपथाइजर, सपोर्टर्स या माल खरीदने की हालत में हथियार को दोनों ही लेंगे। अगर कोई एक लेता और एक दूसरा ना ले, ऐसा कैसे मुमकिन है? अच्छा, जैसे अर्दोगान यानी टर्की की फौज है और उनके जो ड्रोन है दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, तो क्या रोक नहीं पाएंगे इन लोगों को?
मुझे तो नहीं ऐसा लगता। देखिए उस ड्रोन जो तुर्की के पास हैं वो हथियार ले जा सकते हैं। ये उसके अंदर एक एडिशनल फीचर है आमतौर पर खुफिया इंफॉर्मेशन के लिए, हालांकि हमले के लिए इस्तेमाल खुद हूथी भी अपने ड्रोन्स को कर रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब वो हथियार ले जा सकते हैं, लेकिन तुर्की ने अपने ड्रोन की मार्केटिंग बहुत अच्छी की है। अच्छा। तो वो मार्केटिंग की है, इसलिए सऊदी अरब चाहता है कि कहीं से भी हमें कुछ सपोर्ट मिले ताकि हम इनके खिलाफ जो है वो जवाबी कार्रवाई कर सकें। लेकिन जिन मिसाइल्स और ड्रोन्स को जो हूती के हैं, जिन्हें अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम या वहाँ के रेडार्स वो अगर डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो तुर्की के ही ड्रोन क्या कुछ बड़ा कर लेंगे। अब से पहले हवाई जहाज़ों से बॉम्बिंग मुसलसल सऊदी अरब कर रहा है, तो इसलिए ड्रोन से, चूँकि हूथियों के पास अपनी कोई एयरफोर्स अभी तक नहीं है तक हवाई जहाज़ उड़ा करके कहीं भी जा करके हमले कर सकें, उनके पास लिमिटेड पावर है जो ड्रोन और मिसाइल की शक्ल में है। सऊदी अरब की तो एयरफोर्स बाकायदा जहाँ चाहती है बमबारी करती है आज भी, तो मुझे तो नहीं लगता कि तुर्की के ड्रोन आने से कोई बहुत बड़ी ताकत उसे मिले। तुर्की के साथ देने से कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा, अगर वो अपनी फोर्स भेजता है तो रोक तो पाएगा। अगर देखिए अगर वो फौजें भेजता है, देखिए तुर्की के बारे में आपको बता दूं, तुर्की सीरिया में और इराक में जहां उसका बॉर्डर मिलता था, ये एक एडवांटेज होती है कि मेरे घर के बिल्कुल बराबर वाले घर में मुझे हमला करना है या दूर जाके करना है, तो जब मैं बराबर वाले हमले में भी नाकाम हो चुका तो मैं दूर जाकर के क्या कामयाब हो पाऊंगा। इसलिए मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि वो, देखिए हूथियों के लिए डू और डाई वाली लड़ाई है। अच्छा। उनके पास तो ये है कि उनका घर है, वो अपने घर को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, उसमें वो मरने के लिए भी तैयार हैं। जो दूसरा कोई भी आता है किराए का भाड़े पर जो आता है, वो अपनी तनख्वाह के लिए आता है या माल बेचने के लिए आता है, वो जान देने के लिए तो नहीं आता। तो ये बहुत ही बुनियादी फर्क है कि जैसे मैं फिलिस्तीनियों के बारे में अक्सर कहता हूँ कि फिलिस्तीनियों की जंग जो इसराइल से है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई है। उनके उनकी उनका घर उनकी जमीन सामने वाला छीन रहा है या छीन लिए ये बचाना चाहते हैं, या कोई बाहर से कोई आए कि सब मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, तो उसमें वो विल पावर वो मजबूती हो ही नहीं सकती जो अपना घर बचाने वाले की होती है। यानी उनके लिए मरने और मरने वाली बात है, उन्हें सिर्फ अपना घर बचाना है, सामने जो आ रहे हैं वो पेड़ होते हैं ज़्यादातर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी। दर्शकों से पूछना चाहेंगे उनका क्या कहना है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में मोहम्मद अहमद काज़मी साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।